रहमतुल्लाह व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दिल्ली में G20 का जश्न चल रहा है, भारत के लिए इसे फख्र की बात कही जा रही है। 20 मुल्कों के बड़े लोग दिल्ली में आ चुके हैं, अब इसे भी मोदी की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी लगाया जा रहा है, पूरी दुनिया एक खानदान की तरह बताने की कोशिश भी की जा रही है। खैर इन्हीं में एक पहलू गरीबी को छिपाने का भी नजर आ रहा है। जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां गरीबी रोज सुबह शाम सिसक सिसक कर दम तोड़ती है, बेतरतीब मकानात, पानी के लिए कतारें, यहां तक के नहाने बैतुलखला के लिए भी खवातीन कतार में खड़ी रहती है, कहीं दुनिया के बड़े कायद इसे देख ना ले और हकीकत बाहर ना आ जाए, इसके लिए झुग्गियों को हरे कपड़े से ढांप दिया गया ताकि कोई बड़ा मॉल या बड़ी इमारत तामीर हो रही हो ऐसा समझा जाए। पर यहाँ के अवाम परेशान है, क्योंकि जब तक G20 समिट न खत्म हो तब तक इन्हें शायद भूखे पेट रहना पड़ेगा, ऐसा यहाँ की अवाम कह रही है। एयरपोर्ट सड़क पर यह कुली कैंप है, यहाँ वो लोग भी रहते हैं जिनके घरों पर जून में बुलडोजर भी चलाया गया था। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की आमद के दौरान नजर आई थी। मजदूरों की झोपड़ियां नजर न आए इसके लिए गुजरात के उन सड़कों पर कपड़ा भी लगा दिया गया था और दीवारों को ऊंचा भी बना दिया गया था। एक बार फिर दिल्ली की उन सड़कों पर पर्दा लगाया गया है। इस पर्दे के पीछे सच्चाई है और पर्दे के ऊपर सेंट्रल विस्टा, कुतुब मीनार, ताजमहल की तस्वीरें हैं, ताकि गरीबी कहीं से ना झांके। बस्ती पर पर्दा डालने से तो बेतरतीब बने घर दिखते, उन घरों से झांकते कुछ मजबूर चेहरे दिखते, बेबसी दिखती, घरों के आगे बंधी रस्सी पर धोने के बावजूद भी मलिन कपड़े दिखते, जगह जगह पर कूड़े के ढेर दिखते, छोटी छोटी दुकानों पर बैठे मायूस चेहरे लिए दुकानदार दिखते, उन दुकानों पर लटके बच्चे दिखते जो दोपहर में खाने के बजाय चिप्स या फिर कोई दूसरी चीज खरीदते हैं। लेकिन क्या इससे भारत भी शुरू बन जाएगा? गरीबी छिपाने से गरीबी खत्म नहीं होती। माचिस के डिब्बों जैसे घरों में रहने वाले यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूरी, कबाड़ और घरों में काम करने वाले। इन घरों में रहने वाले लोगों से बात करने से पता चलता है कि इनकी जिंदगी महज दोख्त की रोटी के जुगाड़ में गुजरती रहती है। एक एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, पानी के लिए लाइन में लगे रहते हैं। G20 का जश्न मनाने वाले वजीर आजम और अंधभक्तों से यह सवाल भी जायज बन जाता है कि जब खरबों रुपये इन बाहर के मेहमानों पर खर्च किए जा रहे हैं तो क्यों ना इन मोहल्लों को खूबसूरत बनाया जाए। इसी बहाने इन गरीब बेबस मजदूरों की जिंदगी भी बेहतर बन जाती। गुनाह पर पर्दा डालने से गुनाह छिप नहीं जाता। खैर एक और पहलू यहाँ नजर आता है, वो है वसुधैव कुटुंबकम का नारा। G20 के मौके पर इस बात को वाजह करने की कोशिश भाजपा मोदी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। दुनिया को एक खानदान बनाने के बजाय भारत में नफरत फैलाने वाले संघी विचारधारा को क्या कहा जाए? जहां इस मुल्क के सबसे बड़ी आबादी मुसलमान डर खौफ के साए में जी रही हो, रोजाना मुल्क के किसी न किसी जगह पर किसी न किसी इलाके में इनकी मॉब लिंचिंग की जा रही हो, यहां तक मुसलमानों के बच्चे भी इस नफरत का शिकार हो जाए, सरों को खुलेआम कलम करने की बात इन्हीं हिंदुत्ववादियों की जानिब से कही जाए, इसी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले बिला झिझक करते तो रहते हैं और दुनिया को एक खानदान की बात करना इनका दोगला रवैया ही नजर आता है, ऐसा कह सकते हैं। आज जहां G20 समिट जारी है, दुनिया के तमाम वो 20 मुल्क के बड़े कायद दिल्ली में मौजूद है, लेकिन मुसलमानों पर मुस्तकिल तशद्दुद आज भी जारी। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के वक्त दिल्ली में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे भाजपा के दिग्गज कायद भी गोली मारो के नारे लगाकर एक समाज के कत्ले आम पर उकसा रहे थे। मतलब दोहरा रवैया कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के सामने अपने आप को बेहतर साबित कर यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता दिखलाने के साथ एक खानदान का पैगाम देने की बात कही जाती है और वही भारत की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों के साथ जुल्म की दास्तान रकम की जाती है। आज ही की ये तस्वीरें देख सकते हैं, आज ये 2 दिन की ही है, वैसे तो बहुत कुछ है, पर मैं बतौर मिसाल स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के सोलन जनपद के कनियार में हिंदुवादी गुंडों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की, मस्जिद की मेहराबों और मुकद्दस किताबों को भी नुकसान पहुंचाया। वही मस्जिद के बराबर में बनी दरगाह के मजार को पूरी तरह से तोड़कर वहां मंदिर बनाकर आरती भी शुरू कर दी। उत्तराखंड देहरादून में मुस्लिम ताजीर जो ठेला लगाकर फ्रूट सब्जी बेचता है उसे आधार कार्ड पूछकर हिरासा किया जा रहा है। क्या अब मुसलमानों को भारत के किसी भी शहर में काम करने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, क्या ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मोहम्मद हुसैन को उसका नाम पूछकर कुछ गुंडों ने पीटा, अब ये गुंडे कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर एक और वीडियो देखिए, गुजरात के गार्डन में वक्त हो जाने पर 2 अफरादों ने नमाज अदा की तो हिंदुत्ववादियों ने हंगामा किया और भजन के लिए भीड़ जमा कर गंगा जल से गार्डन को ही धो दिया गया।
महज एक हफ्ते में ऐसे कई वाक्य पेश आए जिस नफरत की इंतहा भारत में एक समाज को लेकर देखी जा रही है और विदेशों से आए मेहमानों को वसुदेव कुटुंबकम का पाठ सिखाया जा रहा है। इसे दोहरा चेहरा नहीं तो क्या कहा जाए। भारत के मुसलमानों ने इस मुल्क के खातिर क्या क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस सद अफसोस के आज रोजाना इसे हिरासा किया जा रहा है। और अब तो जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मुसलमानों पर हमले मुट्ठी भर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से तेज किए जा चुके हैं। किसी तरह नफरत की सीढ़ी के जरिए इख्तदार का तख्त हासिल करना यही शॉर्टकट समझा जा रहा है। बजाय मुल्क को गरीबी बेरोजगारी महंगाई से बाहर निकालते गरीबों के घरों को ही छिपा कर पर्दा डाल विश्वगुरु बनने का दावा किया जा रहा है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, लिहाजा घर के भाइयों से नफरत कर दुनिया को एक खानदान का पाठ सिखाने के नौटंकी भाजपा मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। G20 का होना यकीनन काबिल फख्र बात है, पर देश में गरीबी बेरोजगारी महंगाई के साथ नफरत भी इंतहाई उरूज पर हो और दुनिया को एकता का पाठ सबक सिखाए, इसे एक और झूठ ही कह सकते हैं जिसे दुनिया देख रही है। इतना जरूर आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिहाइंड दिस ग्रीन वेल वेयर पोस्टर्स ऑफ G20 एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हंग इज अ प्लेस वेयर रेसिडेंट्स से दैट दे हैव बीन हिडन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। ये हमें मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम लोगों को, सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो सबसे हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश का योगदान करें। झुग्गियों को सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से ताकि वो अपनी नाकामियां छुपा सके। दिस इज कूली कैंप। It's a slum in the heart of South Delhi's Vasant Vihar, just a stone's throw away from luxury hotels like Vasant Continental. About 10 days before the capital hosted the G20 summit, wooden scaffoldings went up around the slum and it was covered by green sheets. जो बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं, उन समय से समझो के लिए गरीबों का मोहल्ला देखने के दिल्ली राजधानी ऐसी है। बाहर से दिखाएंगे मेन रोड रोड बस वो देखो साफ सुथरा, अंदर के लोगों की हालत नहीं दिखाएंगे। Away from the scaffolding, as we went deeper into the slum, the residents there had another story to tell. अगर हम कोई जानवर तो नहीं ना, इंसान है ना हम, तो सामान की जरूरत पड़ी, अभी ये झुग्गी है पूरा सामान मिलता नहीं है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सामान के लिए जाएंगे इतनी बुरी तरह से बदतमीजी से बोलेंगे, भाई हम तो रोड पे ही रहते हैं तो गाड़ी गुड़ी है जो हमारी रोड पे खड़ी रहेगी, कुछ सामान लाना एक मिनट खड़ा, वो ट्रैफिक पुलिस वाला इतनी बदतमीजी से बोलेगा, हम इंसान नहीं है क्या? जॉब करते हैं अभी छोटी बड़ी है हमारी जॉब, ठीक है जी, जहाँ कच्चे मकान है वहाँ पक्के बनने चाहिए। आपके देश में अगर ऐसा हो रहा है तो आपके विदेश को अपना ठीक करना चाहिए हमें, तो आपने क्यों पर्दा टांगा? बाद में अभी ये खबर हो गया, बाद में झुग्गी गिर देंगे, हम कहाँ जाएंगे? The majority of the people living inside this green cocoon were daily wagers who needed to venture out to find work. चौक पे जाएगा कैसे जाएगा? दिहाड़ी करने जा रहा मजदूर, 500 रुपए कमाता अपना बेचारा। ये चौराही है, सुबह यहाँ से सारे लेबर लोग जाते काम पे, यहीं से उन तक को परेशान करा जाता है। तो जॉब के लिए तो ये है कि देखो जा रहे हैं और नहीं जो है तो बैठेंगे थोड़ा, जॉब के लिए नहीं जा पा रहे। For those who lived within these narrow lanes, this had been home for generations. But now, they said they couldn't breathe. जब से ये लगाया ना तब से थोड़ी सी suffocation होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से, तभी ज्यादा घुटन होती है अब यहाँ। घुटन नहीं आ रही है। घुटन तो होएगी, क्या करें? घुटन तो होएगी, जब चार तरफ से बंद कर देंगे तो घुटन होएगी, हवा कहाँ से मिलेगी? ये लगाया ना तब से इनकी सफाई नहीं हो रही, इनमें कीड़े निकल रहे नालियों में, यहाँ अंदर गलियों में तो आके ही नहीं देखते सफाई वाले कि कैसे हाल है यहाँ पे। तो आपको सामान वामान जब लेना होता है तब आप बाहर जा सकते हैं? पहले से लेकर रख लिया है। हाँ जी, एक हफ्ते का सामान लेके रखा? हाँ जी, जैसे दाल आल है सब्जी वब्जी भी रख। This wasn't the first time these people had been hidden from the world. कब लगा था? ये अब तो हो गया 15-16 साल हो गए। जब ये मैच हुआ था, कौन सा वाला मैच? उस टाइम पे तो चादर लगाई थी, चादर लोहे वाली टीन चादर लगाई। These green curtains were a part of the central government's beautification project in Delhi ahead of the G20 summit on 9th and 10th September. They refurbished roads, constructed underpasses and commissioned murals on the streets. The coolie camp fell on the travel route of the G20 leaders and now found itself hidden away. But not everyone was upset about this. For some people, whose livelihoods were also run from the coolie camp, it felt like national duty to shut shop for 3 days. हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश का योगदान करें।
तो आपका क्या योगदान होगा? हमारा योगदान 3 दिन हम बंद रखेंगे दुकान बंद। हाँ, अपना साफ सफाई रहेगी दिल्ली में, दिल्ली बढ़िया लगेगी, तो जो बाहर से आएंगे वो कम से कम ये तो कहेंगे हमें दिल्ली साफ सुथरी है। नहीं मैम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, गेट दे रखा हमको आने जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से, ताकि वो अपने नाकामी छुपा सके।